गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा लिंगीय विभेद से तात्पर्य तथा उसके कौन कौन से कारण हैं लिंगीय विभेद के, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये हमारे लिंग जेंडर विद्यालय एवं समाज बुक से लिया हुआ टॉपिक है। इसमें आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले लिंगीय विभेद। विभेद यानी अंतर करना, जिसमें हम विभेद कर देते हैं। तो लिंगीय विभेद का तात्पर्य क्या होता है? बालक तथा बालिकाओं के मध्य जो हम लैंगिक असमानता करते हैं वो हमारा लिंगीय विभेद कहलाता है। यानी कि बालक और बालिकाओं में हम जो अंतर करते हैं वो अंतर हमारा लिंगीय विभेद कहलाता है। हम देखते हैं कि जो हमारे ये लिंगीय विभेद के कारण हम क्या करते हैं, जो बालिकाएं हैं उनका हमें हमारे समाज में, शिक्षा में और इसमें हमारा जो उनका पालन पोषण करते हैं, उन पालन पोषण को हमने देखा है कि बालकों की अपेक्षा उनकी जो उनका पालन पोषण, उनकी शिक्षा, जो भी शिक्षा होती है वो शिक्षा उनकी निम्न स्तर की होती है। अर्थात हमने क्या किया, बालक तथा बालिकाओं में हमने लिंग के आधार पर अंतर किया। तो लिंगीय विभेद का तात्पर्य है बालक तथा बालिकाओं के मध्य बालक व बालिकाओं के मध्य लैंगिक असमानता। ये क्या है, हमारा लिंग विभेद हो गया। यानी कि बालक और बालिकाओं के मध्य हमने लिंग के आधार पर उन्हें उनमें जो भेद किया, जो हमने उनका जो उनके आधार पर हमने उनके अंदर असमानता। और जो हम देखते हैं कि कई बार ये होता है कि लिंगीय विभेद का जो कारण है, कई बार हमने देखा है कि ये भी देखते हैं कि जो हमारे पिछड़ी जाति में रहते हैं, कई एक कहते हैं ना कि लिंगीय विभेद कई तरीके से, जैसे जातिगत भी होता है, शिक्षा की कमी के कारण भी होता है, या हमारी हम कहें कि हमारी जो हमारी प्राचीन जो हमारी रूढ़िवादिता, जो हमारी मान्यता है उनके आधार के कारण होता है। अब हम देखें कि अगर हम ये देखें जातिगत आधार पर, तो हमने देखा है कई जातियों में ऐसा होता है कि लड़कियों को शुरू से ही सिर्फ और सिर्फ यह सिखाया जाता है कि वो घर का काम करें। उनसे उनकी पढ़ाई के लिए उनमें और लड़कों में बहुत बारीकी से अंतर किया जाता है। जहां लड़कों को स्कूल भेजा जाता है तो लड़कियों को क्या सिखाया जाता है, घर का काम करना। उन्हें ये सिखाया जाता है कि उन्हें आगे जाकर यही काम करना है, उन्हें पराए घर जाना है। या हम कहें कि बच्चे लड़के और लड़कियों में ये अंतर कहते हैं कि लड़के तो हमारी जो हमारा वंश आगे चलाएंगे, हमारे काम में हमारा हाथ बटाएंगे, ऐसी सोच हमारे लिए लिंग विभेद का आधार बन गई। ये कारण हमारा लिंग विभेद का कारण बना। और क्यों बना, क्योंकि ये हमारी शिक्षा और जो यानी कि जो अशिक्षित लोग होते हैं वो इस चीज को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए जो आज हमारे शिक्षा में इस पार्ट को जोड़ने का कारण वो यही है कि हम यह सिखाएं कि आज के टाइम पर लड़के और लड़कियों में कोई भी अंतर नहीं होता है, हमें उनके अंदर लिंग भेद नहीं करना चाहिए, उन्हें बराबर का उन्हें बराबर मानना चाहिए। लड़के और लड़कियों का जो हम उनका पालन पोषण करते हैं वो पालन पोषण भी हमें उनके लिंगीय विभेद के आधार पर न करते हुए हमें उन्हें कैसे रखना चाहिए, बराबर रखना चाहिए। कि ये जो हमारी स्थिति है, ये हमारी कहाँ से शुरू से प्राचीन काल से हमारी ये स्थिति चली आ रही है। और इसका कारण कहीं ना कहीं हमारी एक रूढ़िवादिता, हमारी शिक्षा की कमी, ये हमारे ऐसे कारण हैं जिनसे कि हम लिंग विभेद करते आए हैं। हमने देखा है कि हमारे समाज में या हमारे देश में हमने यहाँ तक लिंग विभेद का कारण बन जाते हैं कई बार कि जो लिंग विभेद है उसके आधार पर ये माना जाता है कि लड़के हमारे अगर लड़कों का लड़कियों का मुंह देखते हैं तो नरक की प्राप्ति होती है, अगर लड़के का मुंह देखे तो हमें नरक की प्राप्ति नहीं होती। यानी ये कहें कि अगर हमारा अंतिम संस्कार किसी के मर जाए तो अंतिम संस्कार करने तक का अधिकार सिर्फ लड़कों को दिया गया है। ये ऐसे जो हमारी रूढ़िवादिता, जो हमारी सोच है, ये सोच हमें हमारे लिंग विभेद करती है। तो हम सबसे पहले जब लिंग विभेद के कारणों के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि लिंगीय विभेद क्या है। इसी लिंगीय विभेद
कहना है कि जो ये भ्रूण हत्या होती है हमारे पेट में ही बच्चों को समाप्त कर दी जाती है, या हम कहें कि कहीं ना कहीं इसमें हमारे चिकित्सक भी, जो हमारा विज्ञान क्षेत्र है वो भी इसके लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी है। जहाँ कई बार ये होता है कि भ्रूण के लिए जो लिंग परीक्षण किया जाता है उसके आधार पर गर्भ के अंदर ही, माता के गर्भ के अंदर ही उस भ्रूण को समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि हमने ये लिंग विभेद हमारे हमारे देश में इस तरह हावी हो गया कि जनता, जो हमारी लड़कियां हैं, इसके लिए हम कहते हैं कि हमारे भारतवर्ष में कम से कम प्रतिवर्ष 1,30,00,000 भ्रूण की हत्या की जाती है। क्योंकि ये अनुमान लगा सकते हैं हम कि लिंग विभेद हमारे लिए कितनी भयानक स्थिति पैदा कर रहे हैं कि इतनी हम इस कारण इतने लड़कियों को हमने समाप्त कर दिया है। लेकिन ये लिंग विभेद का हम ये नहीं सोच सकते कि ऐसा अगर हमने किया तो आगे आने वाले टाइम पर क्या हमारा, जो हम कहते हैं कि प्राकृतिक देन जो होती है, क्या हम हमारे संसार को, हमारे वंश को हम बिना लड़की के हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। ये हमारी एक भयानक स्थिति है जिस तरीके से लिंग विभेद के कारण हमारी जो लड़कियों की हत्या कर दी जाती है। तो हमें ये लिंग विभेद को समाप्त करने हैं। आज हम उसका तात्पर्य हमने पढ़ा कि लिंग विभेद होता क्या है। लिंग विभेद होता है बालक और बालिकाओं के मध्य हम जो लैंगिक असमानता पाई जाती है, जो उनके बीच में जो व्याप्त लैंगिक असमानता है वो हमारा लैंगिक होता है। इसका तात्पर्य होता है हमारा लिंग विभेद, यानी कि बालक बालिकाओं में लिंग के आधार पर भेद करना। अब हम पढ़ेंगे आगे कि हमारे जो कारण है हमारे लिंग विभेद के, वो कारण हमारे कौन कौन से हैं। इसके मैंने आज आपको 10 कारण इसके बताऊंगी और फिर उनके प्रत्येक कारणों का हम वर्णन करेंगे कि किस आधार पर हमारे जो प्रत्येक हमारे कारण है वो हमारे लिंग विभेद के कारण बने। तो सर्वप्रथम हमने देखा है कि हमारे जो लिंग विभेद का कारण है वो लिंग विभेद का कारण है सर्वप्रथम हमारा संकीर्ण विचारधारा। संकीर्ण विचारधारा, छोटी सोच, ठीक है। सेकंड है हमारी मान्यताएं एवं परंपराएं, जिसे हम निभाते चले आते हैं। ये परंपरा ही हमारी रूढ़िवादिता का कारण बन जाती है। पहला था हमारा संकीर्ण विचारधारा, सेकंड था हमारा मान्यताएं एवं हमारी परंपरा, थर्ड है हमारी अशिक्षा, यानी कि शिक्षा की कमी, अशिक्षा, या हम इसे कहेंगे अशिक्षित लोग। फिर है हमारी जो सरकारी उदासीनता, गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इस चीज की उत्तरदायी होती है, सरकारी उदासीनता का, सरकारी उदासीनता। फिर है हमारी सामाजिक कुप्रथाएं, सामाजिक कुप्रथाएं, संकीर्ण विचारधारा, मान्यताएं और परंपराएं, अशिक्षा, सरकारी उदासीनता, सामाजिक कुप्रथाएं। फिर है हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, यानी कि आज की जो हमारी शिक्षा है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के बाद में हमारी है जागरूकता की कमी, जागरूकता का अभाव, यानी कि जो हमारे अंदर आज के टाइम पे इस लिंग विभेद के प्रति जागरूकता की कमी है, इससे लोग बाग जागरूक नहीं है। फिर है हमारी आर्थिक तंगी, आर्थिक तंगी के बाद में है हमारे इसके सांस्कृतिक कारक, यानी कि हमारी सांस्कृतिक कारक के बाद में है हमारे मनोवैज्ञानिक कारक,
मनोवैज्ञानिक कारक, ये हमारे 10 कारण है हमारे लिंग के विभेद के, कि कौन कौन से हमारे लिंग के विभेद के कारण है। तो सबसे पहले आता है हमारा, अगर हम यहाँ से पढ़े कि मान्यताएं एवं परंपराएं, हम शुरू से इस तरह से करते हैं, मान्यताएं एवं परंपराएं। लिंग विभेद का जो हमारा एक प्रमुख कारण है वो है हमारी भारतीय मान्यता तथा हमारी परंपरा। इसमें हमने देखा है कि हम ये देखते हैं कि जीवित पुत्र का जो हम मुख देखते हैं, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो अगर पुत्र की प्राप्ति होती है तो पुत्र की प्राप्ति के लिए हम उसका क्या करते हैं, पुण्य करते हैं, यो सोचते हैं कि पुण्य नामक है, हमें नरक से मुक्ति मिल गई कि जो हमारे घर में बेटे ने जन्म लिया। यानी कि बेटे के जन्म को इतना ज्यादा वो महत्वपूर्ण हम मानते हैं कि उसे एक तरीके से ये कहा जाता है कि हमने नरक से मुक्ति प्राप्त कर ली, यानी इतना उसको महत्व दिया जाता है। ये हमारी एक हमारी भारतीय सोच है, हमारी भारतीय परंपरा है, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि प्रत्येक कार्य जो करता है वो लड़का करता है। तो इसे लगता है जब लड़के की प्राप्ति होती है तो वो उस चीज को मानते हैं कि हमने बहुत बड़ा पुण्य किया जो हमारे यहाँ पर पुत्र ने पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके साथ हम क्या करते हैं, इसके लिए नरक की मुक्ति मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि जब हमने देखा है कि जब किसी के अंतिम संस्कार किया जाता है तो कौन करते हैं, उस घर के पुत्रों को वो सब काम करना पड़ता है, कहते हैं हम पिंड दान करते हैं, वो श्राद्ध का काम करते हैं, तो वो इस चीज को ये मानते हैं कि लड़कियां इस कार्य को नहीं कर सकती, इस कार्य को कौन कर सकते हैं, लड़के करते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर लड़कों की प्राप्ति हुई तो हमारे परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और हमें नरक से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर लड़की ने ये कार्य किया तो मरने वाला जो नरक के कुंड में जाता है। तो मतलब ये सोच हमारी जो आर्थिक हमारी जो संकीर्ण सोच है, हमने जो मान्यताएं बना ली, जो धारणाएं बना ली, या कहें कि हमें एक तरीके से ये हमारे जो हमने परंपरा बना ली इसको, यानी कि हमें लगातार हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी यही परंपरा चली आ रही है, तो ये परंपरा हमारे लिंग विभेद का कारण बने। क्योंकि अगर ऐसा, अगर वही हक लड़कियों को मिले तो ये विभेद का कारण ना ही बने। इसीलिए एक विभेद का बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण क्या करते हैं, हम पुत्र को महत्व अधिक दिया जाता है, और जब पुत्र को अधिक महत्व दिया जाता है उसे ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि हमारे जो वंश को आगे चलाएंगे वो कौन चला सकते हैं, पुत्र के द्वारा, यानी कि पुरुष प्रधान माना गया। इस चीज को ये नहीं मानते, कहते कि जिस तरीके से स्त्री और पुरुष को ये कहा जाता है कि एक गाड़ी के वो दो पहिए होते हैं, लेकिन जब वंश को आगे बढ़ाने की बात आती है तो यहाँ हमारा समाज क्या मानते हैं, हमारे समाज ये मानते हैं कि हमारा सिर्फ और सिर्फ वंश हमारे आगे बढ़ाने का कार्य कौन करते हैं, पुरुष करते हैं। तो हमारा जो समाज है वो एक पुरुष प्रधान बन गया, यानी कि इसी परंपरा के कारण एक हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान बन गया। और साथ में हमने जैसे हमारी भारतीय जनमानस है, वो चाहे वो शिक्षित है अशिक्षित है, उसकी वो सहभागी करने लग गए, यानी कि गलत का भी वो साथ देने लग गए, और यही हमारे लिंग विभेद का कारण बन गए। क्योंकि हम मानते हैं कि जब हम इस चीज को सोचते हैं, अगर शिक्षित लोग हैं तो उन्हें इस चीज को समझाना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, जिन मान्यता को हम मान रहे हैं, वो हमारी परंपराएं गलत है। इसीलिए कहते हैं कि कई बार इसके कारण क्या किया जाता है, यही परंपरा और यही मान्यताओं के कारण जो गर्भ में जो हम इस लड़कियों की जो हत्या हो जाती है वो हमारा इसी का कारण है। और इसी से ही हमारे जो आज लिंग विभेद का जो एक भयानक पोजीशन आ रही है वो इसी के कारण है। यहाँ तक कि एक स्त्री खुद स्त्री होते हुए अपने बच्चों में वो अंतर करने लग जाती है, वो पालन पोषण से लेकर, क्योंकि जो परंपरा चली आ रही है वो उसके दिमाग में ऐसे बैठी हुई होती है, वही क्योंकि माता कौन होती है, वो भी एक स्त्री होती है, लेकिन ये एक लिंग विभेद का जो कारण उसके दिमाग में बैठ जाता है बालक बालिकाओं के लालन पालन पोषण तक, तो वो माता भी उनमें विभेद करने लग जाती है, जिससे जिनकी छत्र छाया में जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं फिर भी वो क्या करते हैं, माता क्या करने लग जाती है, उनमें अंतर करने लग जाती है। और यही हमारे स्त्रियों के जो अस्तित्व, उनकी जो मान्यताएं, उनकी परंपरा, उनकी सुरक्षा, ये सब एक चीज का कारण है कि इनकी लड़कियों को सुरक्षा देनी पड़ती है और लड़कों को ये चीज नहीं। तो ये चीज जो हमारी छोटी छोटी हमारी सोच है, कहते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा आवश्यक होती है,
लड़के की सुरक्षा करनी पड़ती है और लड़के सुरक्षा करते हैं। ऐसी जो हमारी सोच बनी है, इन सोच के कारण हमारा लिंग विभेद बढ़ा। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा अशिक्षा। सेकंड पॉइंट है हमारा अशिक्षा। अशिक्षा से हमने क्या देखा, जब अशिक्षा से हमारा कारण है कि जब पूरी तरह से हमारे कहते हैं कि अगर हमें किसी कार्य को सही करना होता है तो उसके लिए सर्वप्रथम क्या जरूरी होती है, हमारी शिक्षा जरूरी होती है। यानी कि लिंग विभेद में हमारी जो अशिक्षा है वो हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह है कि अशिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति चाहे वो परिवार में हो या समाज में हो, वो चले आ रहे जो निरंतर हमारे अंधविश्वास है उन विश्वासों पर वो कायम रहते हैं। अगर वो शिक्षित होते हैं, कहते हैं कि अगर लिंग विभेद को हमें हटाना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, शिक्षित करना है। क्योंकि शिक्षा हमारा एक ऐसा अधिकार होता है कि इस शिक्षा के माध्यम से हम इस लिंग विभेद को खत्म कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये जब अशिक्षित व्यक्ति होते हैं वो हमारे इस अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। लोग ये समझते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो उसी तरह का सा पालन पोषण करते रहते हैं। साथ में उनका फिर क्या होता है, अंततः जो लड़के होते हैं जिनका महत्व होता है, लड़की की अपेक्षा क्या हो जाता है, उनका वर्चस्व ज्यादा होता है, वो अपने आप को सर्वोपरि मानने लग जाते हैं। कौन, लड़के। लड़के अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं और जो सुविधाएं प्रदान होती है वो सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा किसको देते हैं, लड़कों को देते हैं। ये सब कारण है किसका, अशिक्षित होने का। यानी कि जो अगर शिक्षित होंगे तो वो इस चीज का जो कारण है, अगर शिक्षित होंगे तो उसका प्रतिफल भी जानेंगे, लेकिन जब वो शिक्षित नहीं है तो वो उसी चीज को बढ़ावा देते हुए चले जाएंगे। एक शिक्षा ऐसी है जिसके माध्यम से हम इस लिंग विभेद को दूर कर सकते हैं। यही अशिक्षा के कारण हमारे घर में जब बड़े बुजुर्ग इस चीज को मानते हैं कि नहीं कि लड़के और लड़कियों में, यानी वो लड़कों को सर्वोपरि मानते हैं, तो अंत में क्या होता है कि लड़के भी आगे जाकर अपने आप को परिवार में वो सर्वोपरि मानने लगते हैं। साथ में अगर यह ये कारण नहीं हो हमारा शिक्षा का, और अगर हम शिक्षित रहे तो लड़का और लड़की में जो भेद कर रहे हैं, जो समानता कर रहे हैं, वो असमानता जो कर रहे हैं उस असमानता दूर हो जाएगी और लड़के और लड़की में हम भेद विभेद करना छोड़ देंगे। ये हम देखते हैं शिक्षित व्यक्ति भी, जो शिक्षित व्यक्ति होता है वह नित्य प्रति ये देखता है कि जो अनुभव करता है कि स्त्रियां किसी भी क्षेत्र में पुरुष से पीछे नहीं है। ये कौन जान सकता है, एक शिक्षित व्यक्ति जान सकता है कि किस तरीके से लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। क्योंकि अगर आज के टाइम पे ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां लड़कियां नहीं पहुंच पाई है, तो वो शिक्षा ही है जो लड़कियों को आज उस उपलब्धि तक पहुंचा सकती है। तो जब अशिक्षित लोगों की ये विचारधारा है तो हमें कैसा करना चाहिए, अशिक्षा हमारा विभेद का कारण होता है और शिक्षित करना हमारे इस विभेद को कम करता है। थर्ड आता है हमारा इसमें सरकारी उदासीनता, यानी कि गवर्नमेंट के लिए कि जो लिंगीय विभेद होता है, लिंगीय विभेद में सरकारी जो उदासीनता है वो भी एक कारण होती है। किसका, एक कारक के रूप में है, किसका, हमारे लिंगीय विभेद का। यानी कि कई बार जो गवर्नमेंट होती है, जो आज हम ये कहते हैं ना कि लिंग परीक्षण जो चल रहा है, लिंग परीक्षण, ये परीक्षण भू परीक्षण जो चल रहा है, अगर इस पर गवर्नमेंट सख्त हो जाए, वो कार्यवाही करना शुरू कर दे तो ये काम नहीं हो। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस चीज से लापरवाह है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं चोरी छुपे भी इन चीजों का परीक्षण किया जाता है। अगर गवर्नमेंट अलर्ट हो जाए, सख्ती से इस चीज का काम करे तो ये लिंग विभेद खत्म हो जाए। तो कहते हैं कि सरकार की जो उदासीनता है, जो अपने कार्य में उदासीपन ला रहे हैं, जो ढीला कर रखा है उन्होंने कार्य, वो कार्य करने की उनकी क्षमता कम है, या हम कहें कि सरकार भी इसकी उत्तरदायी है लिंग विभेद का। तो कहते हैं कि लिंग विभेद को अगर हमें दूर करना है तो सरकार को भी अपनी जो कार्य में जो उदासीनता है उस कार्य को उन्हें दूर करना है। क्योंकि जो ये हमारे कन्या भ्रूण परीक्षण होते हैं, या हम कहें भ्रूण की जो हत्या कर दी जाती है, ये सब कार्य कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसकी उत्तरदायी होती है। फिर आता है हमारा सामाजिक कुप्रथाएं, जो हमारे समाज में अनेक
कुप्रथाएं व्याप्त हैं सामाजिक सामाजिक कुप्रथा से पहले हम टॉपिक देखेंगे संकीर्ण विचारधारा। संकीर्ण विचारधारा के लिए हम कहते हैं बालक और बालिका में जो एक भेद का कारण है वो लोगों की संकीर्ण सोच है, यानी कि छोटी सोच, जिसके बारे में उनका एक ये मानना होता है ना, हम कहते हैं ना किसी कार्य के लिए हम बहुत संकुचित बहुत कम सोचने लग जाते हैं, छोटा सोचने लग जाते हैं, तो वही छोटी सोच है। तो संकीर्ण सोच क्या है? संकीर्ण सोच ये है कि आज से हम ये मानते हैं कि माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा कौन होता है? बेटा। मतलब इतना छोटा इतनी संकीर्ण विचारधारा है कि अगर बुढ़ापे का सहारा कौन होता है? पुत्र होता है। लेकिन हमने आज के टाइम पे कई परिवारों को देखा है, या हम कहें कि जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे में सहारा पुत्र ही बने, सहारा पुत्री भी बनती है। ये चीज हमें, जो हमारी छोटी सोच है, इस छोटी सोच के कारण हमारा जो लिंग विभेद है वो बढ़ रहा है। हम सोचेंगे कि सिर्फ वंश लड़के ही बढ़ा सकते हैं। क्या पुत्री अपनी संतान को जन्म नहीं देती? क्या उससे अपने माँ बाप का नाम नहीं चलता? क्या उससे अपने माँ बाप का नाम जुड़ा नहीं होता? तो ये हमारी जो छोटी छोटी सोचे हैं, हम ये मानते हैं कि हमारे घर में अगर लड़के ने जन्म लिया है तो क्या होता है? खुशी का माहौल होता है। अगर लड़की ने जन्म लिया तो कैसा माहौल हो जाता है? हमारे एक तरह से शोक का माहौल हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा दुख प्रकट किया जाता है लड़की के जन्म के समय। तो ये जो छोटी छोटी हमारी सोच है, ये हमारी छोटी छोटी सोच ही क्या कर रही है? हमारे लिंग विभेद को बढ़ा रही है। अब हमारे जो आगे के लिंग विभेद कारण है, जागरूकता का अभाव, आर्थिक तंगी, सांस्कृतिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारण और हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, इन सब का हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।